दो ट्रेनें 124 मीटर और 116 मीटर लंबी 28 किलोमीटर प्रति घंटा और 24 चौवालीस किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे की ओर चल रही है मिलने के बाद उसे एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा ठीक है भाई देखो जब दो ट्रेनें अपोजिट डायरेक्शन में आ रही हैं तो उसके इसमें रिलेटिव स्पीड क्या होता है एस वन प्लस में एस तो रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा आठ चार बारह चार दो छः एक साथ बहत्तर किलोमीटर पर आवर्स चूँकि ये किलोमीटर पर आवर्स में हमें सेकेंड में बताना था तो इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करना पड़ेगा पाँच बटे अठारह से अठारह चौक यानी कि इसकी स्पीड कितनी आ गई बीस मीटर प्रति सेकेंड रिलेटिव स्पीड कितनी आ गई बीस मीटर प्रति सेकेंड टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपन में स्पीड डिस्टेंस कितना हो जाएगा दोनों ट्रेनों की लंबाई कितना हो जाएगी छः चार दस दो एक तीन एक चार और एक एक दो और स्पीड कितनी है बीस हो जाएगा बारह सेकेंड तो पार करने में कितना समय लगेगा बारह सेकेंड ऑप्शन नंबर वन